बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? सब बहन भाई ठीक हैं? जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। सब बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है, मेरी गुजारिश है, मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें, लाइक किया करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर किया करें। जब हम आपको रिप्लाई करते हैं, कमेंट का जवाब देते हैं तो बहुत खुशी होती है और अगली वीडियो बनाने का जो है वो बहुत ज़्यादा दिल करता है। जैसा कि सब बहन भाइयों को पता है कि हमारे जो है पांच चूज़े थे यहाँ पर, एक जो है फार्मी था ग्रीन कलर का और चार सील, उनमें से एक सील मुर्गे, दो सील मुर्गे थे, एक ने दूसरे को जो है सर से ज़ख्मी कर दिया था। आज उसको भी जो है ज़बह करा लिया है क्योंकि उसकी जो जान है वो बहुत ज़्यादा ख़तरे में थी, मरने वाला हो गया था। इस वजह से जल्दी जल्दी मैंने देख लिया, उसको ज़बह करवा लिया है। तो बाकी आज गार्डन के भी मुकम्मल जो है आज गोडी करेंगे, जो हमने पालक काटी या आलू बीच में से निकाले हैं, जगह को बराबर करेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करें। चलें अपने व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर भी बस हमारे पास थे यहाँ पर पांच चूज़े, सभी माशाल्लाह बहुत प्यारे थे, लेकिन एक हमारा शहजादा जो ब्लैक कलर का था, उसको इस बड़े मुर्गे ने जो है मार मार कर उसका सर जो है सारे का सारा ज़ख्मी कर दिया था। इस वजह से उसको जो है ज़बह कराना पड़ा। रात को हमने यहाँ पर ऊपर बंद किया था और सुबह सुबह जैसे ही मैंने इनको देखा है ऊपर आकर, तो उसकी हालत जो है बहुत ख़तरनाक हुई हुई थी, ख़तरे में था वो। जल्दी जल्दी से मैंने उसे ज़बह करवा लिया है। इस वाले बड़े मुर्गे ने उसको मारा है। रानी देखें जी हमारी बैठी हुई है, माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, ये भी रानी हमारी बैठ गई है। ये दो तीन मरतबा कड़ूक हुई थी फिर अंडे देना शुरू हो गई थी, लेकिन अब बैठी है तो ऐसी बैठी है कि वो दाना खाने के लिए वहाँ से उठती भी नहीं है, खुद इसको खिलाना पड़ता है। बस गार्डन की जो है मुकम्मल आज गोडी करेंगे, कल जो है आलू निकाले हैं, पालक निकाली है, इस जगह को भी बिल्कुल बराबर करेंगे। और यहाँ पर देखें जी टमाटर का पौधा जो इसको खींच के रस्सी की मदद से ऊपर कर दिया है, वहाँ पर जो कद्दू और करेले की जो बेल है उनको भी ऊपर कर दिए, देखें कितनी प्यारी लग रही हैं। यहाँ पर जो पेठा लगा हुआ था वो बीच में से निकाल दिया है क्योंकि तीन चार यहाँ पर बेलें लगी हुई थी, तो ये जब बड़ी होंगी तो यही यहाँ पर फैल जाएंगी। अभी एक लगी हुई है। तो चलें जी अपने जो है यहाँ पर गार्डन की जो है पौधों की गोडी करते हैं। ये पाइप जो है यहाँ से उतर जाता है, ये बहुत मस्त। मिट्टी जो है बहुत ज़्यादा सख्त हो गई है, तो इसकी जो है गोडी आप किया करेंगे रूटीन से तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। यहाँ पर जो है गोडी वैसे हुई भी है लेकिन फिर भी ये भी कर देते हैं। ये देखें यहाँ पर जो है मिट्टी बिल्कुल नरम है। ये पानी पड़ने की वजह से इस तरह हो गई है।
अभी जो है इस तरफ की बारी आ गई है, घास भी बीच में से निकालेंगे, गोडी कर लेंगे, पूरी निकल जाएगी। यहाँ पर जो है वगैरह डालते रहते हैं तो मिट्टी जो है नरम ही है। अजान भी होना शुरू हो गई है, आराम से जो है अजान सबसे पहले सुनते हैं, उसके बाद गोडी करने के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। तो व्यूअर्स देखें जी, ज़मीन की हमने यहाँ पर पौधों की गोडी जो है कर दी है, मिट्टी देखें बिल्कुल नरम हो गई है। अभी ये जो फूल हैं प्यारे प्यारे खूबसूरत से, इनको यहाँ पर लगाएंगे दीवार के साथ साथ। तो चलें जी इनको लगाना जो है शुरू करते हैं। तो भी बस ये देखें जी, गमले से फूल निकाल लिए हैं, अब इसको लगाते हैं यहाँ पर। तो अभी बस देखें जी, यहाँ पर सारे पौधे जो है लगा दिए हैं, स्ट्रॉबेरी भी वहाँ पर लगा दी है, गोडी भी जो है कर दी है। देखें माशाल्लाह जगह जो है मिट्टी बिल्कुल नरम हो गई है। ये देखें जी यहाँ पर पौधे लगाते हुए कितनी ईंटें निकली हैं, ईंटें पत्थर वगैरह पौधे देखें जी लाइन में लग गए हैं। ये देखें इनके जो डब्बे हैं ये खाली हो गए हैं। ये फूलों के जो डिब्बे खाली हुए हैं, फूल अभी यहाँ पर लग गए हैं और इंशाल्लाह ये जल्दी यहाँ पर बड़े भी होंगे, स्ट्रॉबेरी भी वहाँ पर जल्दी बड़ी होगी। तो वही बस हमारी यही थी आज की वीडियो, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।